भारत सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और भाषाओं का एक अनूठा संगम है। वैसे तो भारत में कई सारे धर्म हैं, उन्हीं में सबसे प्राचीन है सनातन, जिसे हिंदू धर्म भी कहते हैं। यहाँ हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सारे आध्यात्मिक नगर पाए जाते हैं, जो अपनी पौराणिक गाथाओं से अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं। इन्हीं नगरों में से एक है भारत की धार्मिक राजधानी बनारस, जो काशी और वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। गंगा के तट पर बसा हुआ ये नगर हर हर महादेव की धुन में हमेशा सराबोर रहता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार बनारस की स्थापना स्वयं भगवान शिव जी ने की थी। बनारस में छोटे बड़े मिलाकर करीब 84 घाट हैं। यहाँ सभी घाट अपना एक अलग महत्व रखते हैं। इन्हीं में सबसे महत्वपूर्ण घाट है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका घाट को स्वर्ग का द्वार कहते हैं, क्योंकि चिता पर लेटने वाले को सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा शमशान है जहां लाशों के आने का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। 24 घंटे यहां चिता के अंगारे सुलगते रहते हैं। मणिकर्णिका घाट से जुड़ी बहुत सारी रहस्यमयी कथाएं हैं, जिसमें से डोम राजा की कथा बहुत प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि यहां पर मां पार्वती का कुंडल गिर गया था। महादेव के पूछने पर जब कुंडल के विषय में किसी ने नहीं बताया, तो उन्होंने समूची जाति को श्राप दे दिया कि आज से तुम लोग चितमान में जगदीश चौधरी जी मणिकर्णिका के डोम राजा हैं। शंकर जी पार्वती आए थे नहाने काशी में, तो उस समय कुंड था, गंगा की भी नहीं थी। बोली पार्वती जी शंकर जी से कि मैं नहाना चाहती हूँ काशी में। तो नहाने गई तो वो कुंड गिर गया उनका कान का। तो आके बोली शंकर जी से कि हमारा कुंड गिर गया है, इन सबों से कर दीजिए। उसमें 7 लोग थे पंडित लोग, तो उसमें से एक लोग से बोले कि ऐसा इनका कुंड ला के दे दो, गिर गया है। तो गया कुंड लेने के लिए, वो आ गया कुंड आकर वो रख लिया। आके बोला कि नहीं मिला। तो उसी समय वो बोले कंडाल कहीं के रख के कह रहे हो कि नहीं मिला, तो लगा माफ़ी मांगने को। वो अपने रूप में आ गए, फिर वो माफ़ी मांगने लगा। तो बोलने लगा कि प्रभु आप तो हमको कंडाल कह दिए, अब ये लोग हमको रखेंगे नहीं जाति में। तो कहे ऐसा ठीक है, तुम इसी जगह रहोगे, हिंदू धर्म के लोगों को अग्नि दोगे, उसी से उनका मुक्ति प्राप्त होगा। तो उसी समय से हम लोग का जाति बना हुआ है। चिता की पहली 5 लकड़ियाँ डोम राजा ही रखता है। डोम जाति के लोगों का जीवन पूरी तरह से घाट पर ही निर्भर है। यहाँ तक कि डोम राजा के घर का चूल्हा भी शमशान से आने वाली लकड़ियों से जलाया जाता है। कोई अग्नि का लकड़ी आता है मणिकर्णिका घाट से, हमारे घर पर भी आता है, खाना पीना उसी पर हम लोग खाते पीते हैं। उसमें एक चीज़ और आता है कि जो लकड़ी पर खाना बनता है, इससे मिर्गी की बीमारी नहीं होती है। जगदीश चौधरी जी के बेटे का नाम ओम है। अपने पूर्वज कल्लू डोम के अखाड़े पर खेलता हुआ ओम ही भविष्य में मणिकर्णिका घाट का डोम राजा बनेगा। पिता जगदीश चौधरी चाहते हैं कि उनका बेटा बड़ा होके अधिकारी या डॉक्टर बने, लेकिन डोम राजा की प्रथा को आगे बढ़ाने का प्रश्न ही उनके सामने है। हाँ, ये तो मैं चाहता हूँ कि हमारा पुत्र जैसे कोई अच्छा पद पाओ, या अधिकारी या कोई वकील या डॉक्टर या पत्रकार या कुछ भी बने, मगर उसके लाइफ में अगर ये रहेगा तभी हो पाएगा। अगर उसके लाइफ में नहीं है ये चीज, घाटे का कार्य करना है तो घाटे का कार्य करेगा। अंतिम संस्कार से मिलने वाली मामूली सी रकम ही इनके हाथ आती है, लेकिन बदले में ये लोग
मरने वाले के लिए मोक्ष पाने का सहारा बनते हैं। डोम राजा के घर पर स्थापित शेर की प्रतिमा ने काशी नरेश और डोम राजा के बीच कई विवादों को जन्म दिया है। तो उस समय हमारे दादाजी थे, वो शेर बनवा रहे थे, तो रामनगर के राजा वो मतलब वो किए कि तुम कैसे बनवा सकते हो, तुम कहाँ के राजा हो, तुम वो हमारे दादा के मुकदमे में बहुत फास्ट थे। वो बोले कि ऐसा है कि अगर राजा नहीं होते तो कालू डोम राजा हरिश्चंद्र को कैसे खरीदते। तो ये हुआ कि हाँ ये बात तो तुम सत्य कर रहे हो, तो उसी समय से ये शेर बना हुआ है। कहते हैं कि शमशान जीवन का अंतिम गंतव्य है और चिता अंतिम सत्य। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे हर व्यक्ति अपने अहंकार में भूल जाता है और अपने कर्म को सही दिशा नहीं दे पाता। आते हैं काशी में अपने शरीर को मुक्ति प्राप्त के लिए, तो आते हैं तो सोचते हैं कि मैं काशी में मरूं तो मेरा मुक्ति प्राप्त होगा। तो ये जरूरी तो है नहीं काशी में रहने वाले काशी में मरे या आओ कहीं के रहने वाले आके काशी में मरे, जिनका मौत जहाँ लिखा है तो वही होता है। मतलब कोई ये नहीं है, सबको तो दिन जाना ही जाना है। मणिकर्णिका घाट रोजाना हजारों शवों की अंतिम यात्रा का गवाह बनता है। यहाँ दूर दूर से लोग इस उम्मीद में आते हैं कि उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। मणिकर्णिका घाट और डोम राजा दोनों ही लोगों की उम्मीद बने हुए हैं।